यार पूरे कराची की लाइट गई है, आपको पता है यार पूरे कराची की लाइट जा चुकी है, पूरे कराची की। Hey guys, good morning. Assalamualaikum. Welcome to the new vlog. आज का व्लॉग शुरू हो रहा है भाई बहुत अच्छे मूड के साथ, क्योंकि पीछे अजान हो रही है और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैं आया था कोचिंग से, तो देख सकते हैं फुल तैशा है खड़ा था। तो अभी हम जा रहे थे ऊपर, तो नीचे दिख गया मैं जोब भाई। जोब भाई आती है फुटबॉल खेलने या ऐसे ही खेलने? और कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है बोल? यार पूरे कराची की लाइट गई है, आपको पता है यार पूरे कराची की लाइट जा चुकी है, पूरे कराची की लाइट चली गई, समझ रहे हो? पूरे कराची की, पूरा कराची बंद है इस वक्त, पूरे कराची की लाइट जा चुकी है। पानी सही हो रहा है भाई, बस पूरे कराची की लाइट गई है और मेरे फोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, तो पता नहीं कब मिलेंगे यार आपसे, तो देखते हैं। पता नहीं 24 घंटे का बोल रहे हैं लाइट नहीं आएगी, 24 घंटे तक लाइट नहीं आएगी तो हम कैसे। फाइनली वो ऐसे भी घर आ चुके हैं और लाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई आ चुकी है, तो जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया है, तो मसला नहीं होगा लाइट जाने का। तो भूख लग रही तो खाना खाते ना। सो के उठा था मैं तो रात के अभी 11 बज रहे हैं, तो भाई अभी तक लाइट नहीं आई है कराची के अंदर, फिर जा चुकी है, बड़े मसले हुए कराची में। बोल लाइट आ चुकी है और काफ़ी टाइम बाद लाइट आई है, क्योंकि मैं तो सो गया था, मुझे पता ही नहीं था लाइट थी कराची में नहीं थी। कराची की हमने पूरी रिपोर्ट नहीं रखी थी, मगर कराची में ठंड इतनी है कि आपका लाइट के बिना गुजारा हो जाता है, बस रोशनी नहीं आती। तो अभी हम ब्लॉग करने के लिए बाहर आए थे तो मोटर चल रही है, तो देख सकते हैं किस तरीके का भी सन्नाटा हो रहा है, क्योंकि टाइम ही सब भाई 12 बज रहा है और कल मुझे सुबह उठ के जल्दी कोचिंग के लिए भी निकलना है। यार अब मैंने सोच लिया, अब मैं ब्लॉग जल्दी स्टार्ट किया करूँगा, मेरा ना ब्लॉग नहीं बन पाता है, और आजकल ना मेरा ना टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट की वजह से ना मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाता हूँ। तो ये देख सकते हो किस तरीके का लेवल का सन्नाटा हो रहा है, नीचे कोई है ही नहीं। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो कहीं बाहर जाएंगे या तो कोई एक्टिविटी करेंगे घर में, क्योंकि ब्लॉग नहीं बना है, ब्लॉग के लिए तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और एक तो मोटर पीछे शोर करती रहती है, तो यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर ना हाथ सेकने के लिए नीचे जाकर ना हाथ वाथ सेक लूँ, तो थोड़ी ना ठंड कम हो जाएगी। वैसे तो आपको लग नहीं रहा हो क्योंकि हाफ स्लीव पहना हूँ, क्योंकि घर के अंदर इतनी नहीं है जितनी बाहर ठंड है ना। चलो घर के अंदर ही चलते हैं अभी और फिर देखते हैं कैसी रहता है, जब तक हम ठंड थोड़ा कंट्रोल करते हैं। यार आजकल बहुत ठंड आई है कराची में, क्योंकि कोयटा में बर्फबारी हो रही है, तो कोयटा की हवा ही खराब है। अभी ना मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं ना, तो जैसे मेरे घर पर मेहमान आए मैं तो उनके साथ ना ये वाला गेम खेलेंगे सिक्वेंस, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैंने कहा क्योंकि जब आप लोग गेम देखोगे आप लोग को भी तो पता होना चाहिए ना, तो दिखाता हूँ आसम से। तो ये देखो, अब ये आप ये पूरा पढ़ लो, इससे आपको ये पूरा गेम समझ आएगा, मैंने भी इसी से सीखा था। हाँ वीडियो स्टॉप करके पढ़ लेना, क्योंकि जब मैं गेम खेलूं आप लोगों को भी तो समझ आना चाहिए ना, ताकि आप लोग को भी तो मज़ा आए ना, तो इसलिए ये पढ़ लिया। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती तो उस इंग्लिश वीक है तो वो उर्दू में पढ़ ले। चलो जी ये पढ़ लो, उल्टा रख दिया, ये लो जी पढ़ लिया। अब मैं आपको खुद से थोड़ा सा बता देता हूँ जो मुझे आता है। तो भाई ये होती हैं दो पार्टनरों की गेम, सही है, और ये होते हैं पत्ते और ये होता है बोर्ड। बोर्ड जो होता है ना इसमें पड़ा होता है इस टाइप का कुछ ऐसा नक्शा, पढ़ना है ऐसा, तो इस पर आपको गोटियाँ लगानी होती हैं। आपको अगर आप कॉर्नर से बनाओगे ना तो आपको 4 तक का बनाना है कॉर्नर से, क्यों यूँ, और अगर आप 20 से बनाओगे तो आपको फिर 5 का बनाना है, यूँ 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 5। जिसने 3 पहले बना लिए 5 वाले तो वो टीम जीत गई, सही है। ये मैंने आप लोग को समझा दिया, तो अभी मेहमान आते हैं जब खेलेंगे तब
तब आप लोग को दिखाएंगे और फिर आप लोग इंजॉय करना, क्योंकि जब तक आप लोग को आएगा नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, तो मैंने कहा इसलिए पहले आप लोग को समझा दूँ। तो मिलते हैं जब ये खेल लूँगा, जब तक मुझे होमवर्क होमवर्क है तो मैं वो सुबह अभी फिर से लाइट जा चुकी है यार, लाइट ने तो बड़ा तंग किया हुआ है। तो भाई जो मुझे लग रहा है जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया ना 27 घंटे का, 27 घंटे तक कराची में लाइट नहीं आएगी, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देखो तो कैसा अंधेरा गुब बयाबान हो रहा है, लग रहा है जंगल में बैठा हूँ। लाइट से तो भाई कराची है, क्योंकि क्या रोशनी की रोशनी का शहर है कराची, तो वैसे भी कराची मशहूर ही है सर, वो कराची की पूरी लाइट ही चली गई है, तो ऐसा अंधेरा अंधेरा हुआ ना तो मज़ा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तभी बस मुझे ये टेंशन हो रही है यार, मैं वीडियो एडिट तो कर लूँगा मगर अपलोड कैसे करूँगा, तो बस मुझे ये टेंशन हो रही है। तो अभी देखते हैं बस थोड़ी देर में बस व्लॉग को भी एंड करता हूँ, क्योंकि टाइम इस वक्त 3 बज रहा है, मैं सिर्फ यही वीडियो अपलोड के चक्कर में बैठा हूँ अभी तक, क्या करूँ क्या करूँ, मेरे पास सुबह टेस्ट भी है, तो देखते हैं कैसे। तो बॉयज़ मैंने कहा जो व्लॉग तो बनानी है, तो मैंने कहा आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँ, तो बॉयज़ ये जब मैं ट्रिप पर गया था ना तो ये सारी मेरी फोटोग्राफ्स हैं, मैंने कहा ये आप लोग के साथ शेयर करूँ तो आप लोग को दिखाऊँ, तो ये सारी फोटोग्राफ्स हैं, मैंने आप लोग से शेयर नहीं की थी तो ये अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस टाइप की कुछ तस्वीरें खींची थी भाई वहाँ, और तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, तो अब आप लोग तस्वीरें एंजॉय करो। Kids screaming in the cradles, profanities. सुबह जैसे कि आप लोगों ने तस्वीरें देखी तो यार ये मैं शेयर करना भूल गया था, तो मैंने आज के ब्लॉग के अंदर शेयर कर दिए, तो आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और यार मैं ये कह रहा था कि लाइट तो आई नहीं है, तो अब एडिट करने का टाइम आ गया है, और अभी 3 बज रहा है रात का, तो मैंने कहा एडिट वेडिट करके जब तक सो जाता हूँ, तो देख सकते हो अभी तक लाइट नहीं आई है, वो सामने वाले के घर में UPS तो चली है और बाकी बिल्कुल लाइट है ही नहीं, तो अभी बस एडिट तो कर लूँगा, एडिट में 1-1.5 घंटा लगेगा, एडिट हो जाएगी, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं अपलोड कैसे करूँगा, तो अपलोड करने का मेन मकसद आ रहा है, और नीचे दोस्त वोस्त बैठे हैं जुनेद के, तो मगर मैं जा नहीं रहा हूँ, तो मैंने कहा बस यहीं से यार व्लॉग को एंड करूँ और एडिट वेडिट करूँ ताकि मैं भी फारिग हूँ, फिर सुबह मैं ऐसा करूँगा 5-6 बजे उठूँगा वीडियो अपलोड करने के लिए, और कल 5-6 बजे ही व्लॉग मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। तो ये एक दफ़ा आप लोग को दिखा देता हूँ, फुल सन्नाटा पड़ा है, लग ही नहीं रहा है ये वही रोशनियों का शहर है जिसे कराची कहते हैं, 27 घंटे के लिए लाइट गई है। तो फिलहाल मैं इस लोग कमेंट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं कल, सब्सक्राइब लाजमी करना, ओके बाय।